रवि बचे हुए हैं उसके अंतर्गत। ऐसे ही जेड सी में देखूंगा मैं तो एम वन जेड
पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो मैं अलग तुम्हें तरीका बताऊँ। जो ऐसा तुमसे उसने ये कह दिया कि कोई भी चीज तुम्हें ज़्यादा सेंटर ऑफ मास पूछा है, ठीक है, उसने कहा मान लो ये तुम्हारे पास ओरिजन है 0.0, बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तुम्हारे पास ओरिजन है, यहाँ पर मास है मेरा एम1, एम1 के लिए 1 किलोग्राम, इधर मैंने 2 किलोग्राम मान लिया, इधर मैंने 3 किलोग्राम मान लिया, एक एक मीटर एक ही लेंथ है, अब मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये पूछा। तो सबसे पहले तुम्हें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है 0.0, जहाँ ओरिजन है ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर अगर मैं ये वाला पॉइंट लूंगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी देखो एक्स ही तो है, और तुम्हें पता है एक्स पर क्या 0 होता है, वाई 0 होता है और एक्स क्या है 1। अगर मैं यहाँ होगा, अब मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है सर, मैं यहाँ पर तो होगा तो मैंने दो, अगर मैं वाई तो मेरी ये होगी, अब क्या ये 1 होगी, अगर मैं यहाँ से इसे कट करूँ तो ये तो आधी होगी, ये क्या होगी आधी, यानी कि मेरा एक्स एक्स है, एक्स तो मेरा 1/2 है, लेकिन मुझे वाई नहीं पता है कि ये मेरी लेंथ कितनी होगी। तो अगर तुमको ये लेंथ निकालना है, ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, इक्विलेटरल एंगल होगा, यानी कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ये 60 तुम्हें निकालना है, ये तो ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें हाइपोथेनस और परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस किस में होता है सर, साइन 60 में परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस क्या है 1, साइन 60 की तुम्हें वैल्यू पता है क्या होती है, अंडर रूट, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर वाई कंपोनेंट क्या है, अंडर रूट 3y। अगर क्वेश्चन पूछे तो तुमसे थोड़ा इस टाइप से हटके क्वेश्चन पूछे, अगर तुमसे ना देखो तुम यहाँ पर अगर आर सी एम निकालो तो एक्स सी एम निकालोगे तो एम वन, इसका मास तुमने एम वन माना तो एक्स वन क्या है इसका, इसे एम टू माना तो इसका एक्स टू क्या है, इसे एम थ्री माना तो इसका एक्स थ्री क्या है, अपॉन टोटल मास 1+2+ ऐसे निकाल। अगर हमने इसी क्वेश्चन में वाई सी एम निकालना होगा तो एम वन वाई 0, एम टू इसका भी वाई 0, एम थ्री और इसका वाई क्या है 3/2, टोटल मास जोड़ दो, इन दोनों को सॉल्व करके हमारा सेंटर ऑफ मास आ सकता है। अगर तुम्हें कोई भी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास दिया होगा तब तुम्हारा इस टाइप से ये क्वेश्चन तुम्हारे हो पाए। उसके बाद देखो यहाँ पर तो ये x से सेंटर ऑफ मास, सर x का मतलब क्या हो गया, पोजीशन का, किसी भी कोई भी मेरे पास में पार्टिकल है या मेरे पास में कोई बॉडी है, उस बॉडी का मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, तब मेरा ये ऐसे कर। लेकिन अगर तुमसे मान लो ऐसे कह दिया जाए कि कोई भी चीज़ चल रही है, कोई चीज़ चल रही है तो हम लोग जानते थे सर आर सी एम का फार्मूला होता है m1 r2 m2 r2, ऐसे चलता था m n r, अपॉन मासेस क्या हो जाएंगे प्लस, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूँ dt के रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट तो dr/dt वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि ये हो गया बी सी एम। तुम्हें पता है नीचे मास पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि मास तुम्हारे कॉन्स्टेंट वैल्यू होते हैं, कोई इफेक्ट नहीं ऊपर m1 dr1 over m2 dr2 over plus m n dr n over। अगर मैं यहाँ देखूँगा नीचे तो मेरे मासेस ऐसे ही रहेंगे, और ये हो गया b1 b2 dot 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 m n, ठीक है, तो bcm का फार्मूला मेरा ऐसे। ऐसे ही अगर तुम ए सी एम का फार्मूला निकाल दो तो वो भी आएगा m1 a1 m2 a2 m n a n upon m1 plus m2, ये बी सी एम का और ये ए सी एम का, इनके ऊपर क्वेश्चन तो होगा, तो एक का कि सर की क्वेश्चन पूछे तो पूछे कैसे करेंगे, देखो सिंपल मैंने क्वेश्चन होगा मैं तुमसे कहूँ, जैसे मान लो
तुमसे क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे? ऐसा है, एक कोई बंदा है, एक जरा सोचो क्वेश्चन कैसे पूछे, इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक। दूसरा बंदा है बी, जो इधर आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, एक 4 से आ रहा है, एक 6 से आ रहा है। इसका मैंने मास कुछ भी मान लो 10 के लिए इधर मुझे, और इसका 115 के लिए, ठीक। अब मैं पूछूं दोनों का मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? भाई दोनों का अगर अलग अलग मोशन की बात करें तो अलग अलग तो मोशन चलती, इसका 4 है, इसका 6 है। मैंने कहा मोशन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो यहाँ पर ये क्या दे रखी है तुम्हें, वेलोसिटी तो वेलोसिटी दे रखी है। तो हम फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो हम बी सी एफ लगाएंगे, m1 plus m2, कभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास 10, वेलोसिटी 4, इसका मास 15, वेलोसिटी माइनस 6, क्यों अपोजिट डायरेक्शन, तो -6, 10 plus 15 ऊपर जोड़ो 40, 15 × 90 माइनस का 50/25 कितना आया, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। ये आईपीसीएम। अब तुम ये देखो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, देखो इधर वाली वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, इधर वाली निगेटिव, तभी तो माइनस चेक नहीं है। इसका मतलब जो आर सी एम है इन दोनों का, बी सी एम है, वो इधर की ओर जा रहा होगा, वो भी किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। सिंपल सा अगर इस टाइप से पूछे जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरी टाइप मेरा ये है कि अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन में ऐसे कहा गया बाकी
इंक्लिनेशन ऑफ
डी एम, ऐसे ही जेड सी एम होगा जेड डी एम इंक्लिनेशन ऑफ डी एम। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि तुम्हारे समझ में आएगा कि वास्तव में अगर हमारी कोई कंटिन्यूस बॉडी होती तब हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में फंस जाए। जी
इनवर्ट और दो इनवर्ट तो चार और तीन सात, सात बटे छः, छः ये क्या है, तो ये हो जाएगा सात बटे छः बारह, सात बटे बारह, ठीक है। तो यहाँ से कितनी दूरी पर, सात बटे बारह दूरी पर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास। अगर कभी भी इस टाइप से डेंसिटी टाइप से पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व होते हैं। देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा था, एक्स के साथ जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा था वैसे वैसे डेंसिटी चेंज हो रही थी, लेकिन अगर तुम्हारी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहे, अगर तुम्हारी मान लो इसमें अगर लीनियर डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहे, यानी कि लीनियर डेंसिटी चेंज ना हो, अगर लीनियर डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहे तो कोई भी एक रॉड होगी उसका जो सेंटर होगा वही उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, यानी कि पूरी लेंथ है, तो यहां से l / 2 दूरी पर ही इसका क्या होगा, l / 2 दूरी पर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसी से कुछ ही होगा जिनका सेंटर ऑफ मास याद रखना, रिंग का सेंटर ऑफ मास पीछे में होगा। अगला डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है, डिस्का सेंटर ऑफ मास पीछे भी होता है, और देखो उसके बाद कोई तुम्हारे पास में क्यूब है या कोई स्क्वायर है, तो जहां पर उसके डायगोनल्स यानी कि विकर्ण कट कर रहे होंगे वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। कोई तुम्हारे पास सिलेंडर है, कोई तुम्हारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का भी सेंटर ऑफ मास बीच में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सेंटर ऑफ मास। कुछ सेंटर ऑफ मास और याद रखना है, जैसे कोण, कोण कुछ होता है इस टाइप से, कोण होता है, कोण का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, जो ये डिस्टेंस होगी वो होगी टोटल लेंथ की एच बाई फोर, टोटल लेंथ की एच बाई फोर, ठीक। और अगर कोई वायर तुमने ले लिया सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर का यहां से जो ये सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा 2r/y, ठीक है। और एक हो गया सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क वो होगा 4r/3, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 4r/3 होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास है तो तुमको याद करना है और ऐसे करना है।
चलो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो एक मैं सिंपल कनेक्शन में बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे बोली ना, मान लो जैसे ये ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, जीरो कॉमा जीरो कॉमा, मैं कहूँ इसकी लेंथ अगर एल है, इसका मास सभी एम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या बीच ही होगा, यस। यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, एल बाई टू पर, एल बाई। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात, इसके यहाँ कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया ये वाई एक्स, और ये क्या हो गया एक्स, एक्स हो गया। तो ये दूरी कितनी कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहलाएगा सर इस पर एक्स क्या होता है जीरो, और वाई क्या कहलाएगा माइनस का है, सब लोग निकाल देंगे कोई दिक्कत। लेकिन
ये है वाई एक्सिस, वाई का एक्स क्या होता है जीरो, और वाई क्या हो गया ये भी तो इसको काट रही है, ये भी तो वाई को काट रहा है, तो यहाँ भी एक्स क्या होगा जीरो, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ वाई कितनी हो जाएगी प्लस है, तो ऑलरेडी प्लस है उससे बोला उससे बोले से बोला
उनसे पहले कभी आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो किसमें होती है? इलास्टिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर मैं इलास्टिक के बाद यही पर इलास्टिक कोलिजन के बाद अगर इन इलास्टिक की बात करें, इन इलास्टिक का मतलब है अगर तुमने यहां से ड्रॉप किया है तो वापिस वहां तक नहीं जाएगा बल्कि कुछ नीचे रहेगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, सिर्फ कंजर्व हो रहा है मोमेंटम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, सिर्फ कंजर्व क्या रहेगा मोमेंटम। इसके अंदर जो सर बी वन है बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ई अगर ऐसे यहाँ पर वन प्लस यहाँ पर वन प्लस और यहाँ पर बस ये लगा M1 plus E M2 U1 plus M1 plus M2 plus M1 plus M। दूसरी चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो E की वैल्यू होती है ना इसमें E की वैल्यू वो एक से कम होती है लेकिन जीरो से ज्यादा। और याद रखना E की वैल्यू एक से ज्यादा कहीं नहीं, E की वैल्यू एक से ज्यादा कहीं नहीं, E की वैल्यू एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। ये होता है इसमें बताओ इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है? हाँ होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी तो सर इक्वल नहीं है, कंजर्व नहीं। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ही नहीं है तो लॉस भी तो होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 m1 m2 m1 plus m2 1 minus e square u1 minus u2 का होल स्क्वायर, ये होता है लॉस ऑफ काइनेटिक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ये चीज फिर बढ़ते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं परफेक्टली इलास्टिक फोर्स। यानी कि दोनों साथ साथ चलते, दोनों साथ साथ। सर लॉस ऑफ करंट
कि दो दो महीने हो जाते हैं उस फोन को किसी का मैसेज नहीं आता है, और किसी को मैसेज आता है तो कोई सा एपी बन गया, वो भी फेसबुक पे पता चल जाता है किसका हैप्पी बर्थडे है, इंस्टा पे तो भैया हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, तो चार छह और बोल देते हैं, सब बच्चे खुद भी नहीं बोलते, देख के इग्नोर कर देते हैं, तो अब इतना टाइम नहीं है कि उसे हैप्पी बर्थडे बोल सकते। और कोई जमाना वो था कि जब पहले से लिस्ट बना कर रखी थी कि इसका हैप्पी बर्थडे रात में इसे मार के देनी और इसके बैठ जाना, ठीक है, वो सारा तो वही चीज है दोस्ती, दोस्ती एक जगह पर एक टाइम पर जाके खत्म हो जाती है, दोस्ती भी एक जगह पर जाके खत्म हो जाती है, रिश्तेदारी भी सारी जगह खत्म हो जाती है, अगर आप सफल हो जिंदगी में तो सहती नहीं है, तो तुम दोनों लोग मेहनत से बाहर करो आज तक, कितनी साल है तुम्हारे पास, एक साल, एक साल में ये सोच के ये भूल जाओ कि अपन को बस जो 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 दो पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई कर लो, उसमें कितनी सी पढ़ाई होती है, अरे बी एस सी में ठीक है, पढ़ रहे पढ़ रहे जैसे बोलते हैं उठा करके पढ़ते हो पेपर दे सब नंबर बहुत अच्छे आते हैं, कुछ भी नहीं खास सही है, नंबर सबके अच्छे बताते हैं, तो तुम इस तरह थोड़ा अच्छा ध्यान दो तो अच्छा काम करो। अच्छा तुम एक चीज़ और समझो, वही मैं तुम लोगों से एक बात कहता हूँ, तुम्हारे साथ के कुछ बच्चे बहुत से बच्चे होंगे जो डी फार्मा कर रहे होंगे, डी फार्मा कर रहे हैं, एक बार जरा समझो, हाँ एक बच्चे ने तुम्हारे साथ वाले में लास्ट ईयर बी फार्मा में एडमिशन लिया, ठीक है, ये बी एस सी नर्सिंग में एडमिशन लिया लास्ट ईयर एक सालों से, एक सालों से तुम्हारा मान लो पहले साल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, साल रहे करो समझे, तुम किसी तरह कर रहे हो एम बी बी एस, अब मान लो तुम्हारा दो साल बाद भी नहीं होगा फिर तीसरे साल तक होगी, सही, अगर मेहनत से पढ़ाई करोगे तीसरे साल में सिलेक्शन, ठीक है, अब तुम सोचना तुमने तीसरी तुम्हारी दो साल खराब होगी, यानी कि जब वो बी एस सी नर्सिंग खत्म करेगा तो तुम्हारी दो साल हो चुकी होगी एम बी बी एस, उसके बाद में जब ये बी एस सी नर्सिंग खत्म करेगा अब ये देखेगा हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल देखेगा, हॉस्पिटल में कोई भी बी एस सी नर्सिंग वाला जाता है स्टार्टिंग में 10-15 रुपये से जाता है, आप यहाँ पर दो साल और लगाओगे साढ़े चार साल बाद पाँच मतलब आधे साल की ट्रेनिंग के बाद में जब वापस आओगे तो गवर्नमेंट पहले तुमसे बाउंड कराती है, गवर्नमेंट ये बाउंड कराती है कि इतने टाइम के लिए तक तुम हमारे अंदर काम करोगे ही करोगे सरकारी नौकरी के, सरकारी नौकरी चाहो तो पूरी जिंदगी करते रहो लेकिन इतने टाइम तक करना ही करना है, क्योंकि हमने तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज से एम बी बी एस कराया है, हमने अपना पैसा खर्च करके तुम्हें एम बी बी एस कराया है, उसका कर्ज उतार उतार हुआ है, उसके एवज में भी सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है, ऐसे तुम्हें दुकान का कोई नहीं मिलता, तुम किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचो किसी भी हॉस्पिटल में तुम्हारी डिग्री की इतनी मान्यता है कि अगर तुम्हारी गलती से भी अगर तुमसे कोई पेशेंट मर जाए तो तुम्हारे खिलाफ कोई एफ आई आर नहीं कर सकता, कोई पेशेंट मर जाए तुमसे हमारे खिलाफ कोई एफ आई आर नहीं कर सकता। अब बच्चे कहते हैं सर एम डी करना पड़ता है, तो कोई भी डॉक्टर अपनी जो भी जहाँ भी बात करता है वहाँ गलती भी करता रहता है, उसके साथ ही एम डी करता है, ऐसा नहीं है एम डी की जाके अलग से पढ़ाई करता है दो सालों से भी मतलब नहीं कर सकता, ठीक है, तब जाके एम डी होती। अब ये जो लड़का है ये पूरी जिंदगी जिसने बी ए और बी फार्मा में एडमिशन लिया किसी चीज़ में पूरी जिंदगी ये डॉक्टर के अंदर में काम करेगा। जैसे तुम लोग जब किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो तुम लोग देखते हो, तुम लोग हॉस्पिटल जाते हो तुम्हारी पट्टी है कौन करता है, जो नर्सिंग होती है वही पट्टी करेगी तुम्हारी, डॉक्टर आते कहीं पट्टी नहीं करने बैठा उसने करते थे ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा पूरे दिन, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी नर्सिंग स्टाफ आएगा, नर्स स्टाफ आकर तुम्हारा सब काम करेगा सब जो कुछ है, डॉक्टर बस जब डॉक्टर आएगा ठीक है तो चार काम पहले से खड़े हो जाते हैं नर्सिंग स्टाफ के, डॉक्टर साहब आते हैं वो ऐसे देखते ठीक है, पर्चे होते हैं ना आप अंग्रेज का पर्चा आकर उसको ऐसे देखते साहब इसका ये तो वो देखते अच्छा, और खाली उससे दो चार बातें पूछेंगे पड़े से कैसे हो तबियत कैसे है सुधार है नहीं है ठीक है पापा पता नहीं क्या क्या लिखेगा पता नहीं होगा अंदर बस कोई मतलब नहीं, फिर वो अगले जाएगा फिर अगले जाएगा और पाँच मिनट नहीं लगाएगा सारे मरीजों को देख के निकल के अब कौन सेवा करेगा, अब ये लोग सेवा करता है अंदर से क्या अंदर से हमें ये रहा कि इसके अंदर इतना प्रोटीन से नहीं तो इसमें मेहनत नहीं करता
अगर ये मेहनत करता तो डॉक्टर बनता, 100% डॉक्टर बनता। और मैंने अपने अभी तक के कैरियर में ऐसा देखा है कि जिस भी बच्चे में कंटिन्यू के तरीके से लगा रहा है, ठीक लगा रहा है, तो वो डॉक्टर जरूर होना है 100% डॉक्टर। अब तुम कहोगे 100% डॉक्टर कैसे? ऑल ओवर इंडिया 25 लाख फॉर्म पड़ा है बच्चों, 25 लाख में गवर्नमेंट MBBS सीट 50,000 है, 50,000 है, 50,000 ऑल ओवर इंडिया बता रहा हूँ, MBBS बता रहा हूँ, BDS और BMS नहीं बता रहा हूँ, उसकी तो लोगों को 80,000 बस मिल जाए, ठीक है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो 50 बच्चों में जो नीट एग्जाम में बैठते हैं उसमें से एक बच्चा इंग्लिश डॉक्टर, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस 25 लाख में से 15 लाख बच्चों को यही पता नहीं कि नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये पता नहीं नीट के क्वेश्चन कितने आते हैं, 15 लाख बच्चों का 25 लाख में से, ठीक है। तो कुल जो कंपटीशन है वो तुम्हारा 10 लाख से है, और 10 लाख में से अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ 5 लाख से बचता है। वो चीज़ तुम्हें डिसाइड करनी है कि किस टाइप से तुम कर पाओ। और मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अपने जो क्वालिटी रखना वो हमेशा बायोलॉजी में कोशिश करो कि तुम्हारे 330 नंबर प्लस आए, अगर बायोलॉजी में 330 प्लस खींचोगे तो सेलेक्शन की गारंटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उसके साथ में तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही करनी पड़ेगी, तब जाके हो जाता है। अरे तुम्हारा ये PDP पता नहीं है, सारे पढ़ो समझ में नहीं जाते, बहुत बैठा लो कैसे 600 पैसे बैठा दे, तो मैंने कहा तुम कितने बैठा लो बायोलॉजी, ठीक है, इतने बैठा हुआ बैठा ठीक। और मैं एक बात की कहूँगा जो काफ़ी सालों से नहीं करूँ वो कर रहा हूँ, जो नोट्स लिखवाए हैं ना इंस्ट्रक्टर ने, उन नोट्स को तुम पढ़ो, सिर्फ 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में तुम्हें 90+ क्वेश्चन मिलेंगे उन नोट्स से, बायोलॉजी तो तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए, बायोलॉजी तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे लिए कोई
और तुमको लाइन बता दो कौन से चैप्टर से, और उस चैप्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि नीचे लिखा हुआ है कि बीच में ये लाइन लिखी हुई है, लाइन देख के बता दो। इसमें से अंदर से उठाकर के क्वेश्चन पूछेगा ये चीज। और जो बच्चे डीफार में कर रहे हैं ना उनकी दृष्टि कोई हल होने वाली है, ये सही है ना सर जी की दुकान में निकाल लिए डीफार में सही है हर तो कोई भी गली जाना मेरी कोई भी गली कोई भी गली जाना और उसमें जाके चिल्ला देना डीफार में दो चार निकाल के हमारी गली में दो चार के लगाई है डीफार में ये हर होने वाले डीफार में कुछ करना नहीं है डी फार्मा का मुझे नहीं करना उल्टा डी फार्मा का नहीं कितने मेडिकल बोर्ड पे भाई मेडिकल की तो लेवल होती है मेडिकल कितने बोर्ड होते हैं एक कल्याण में पढ़ता सब जाते हैं तो वहाँ पहले दो मेडिकल है आज कम से कम दो साल के अंदर आठ हो गए कितने मेडिकल यही सब चीजें तो ये सारी चीजें ये देखो
v2 माइनस बराबर बटे बटे v1 माइनस अब पहले नहीं बना कैसे एक का क्वेश्चन बताओ जब तक मैं समझ दिया है देखो ऐसा है मैंने कहा मान लो ये मेरा ग्राउंड है अब यहां से कोई गेंद आई सर b क्या होता है आफ्टर कोलिजन एनर्जी u क्या है बिफोर कोलिजन एनर्जी मैंने कहा मान लो इसका मास तुमने m1 मान लिया और ग्राउंड का मास क्या मान लिया है तुम्हें पता है अगर ये यहां से टकराएगी तो जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या मानी u वेलोसिटी है और टकरा के वापस गई इसकी वेलोसिटी मान ली v दूसरा चीज तुम्हारा क्या था ग्राउंड पता इस गेंद के टकराने से क्या धरती हिल जाएगी धरती तो जीरो रही ना धरती यानी कि सर धरती जीरो अगर मैंने इसे u1 माना तो धरती को क्या माना u2 और टकराने के बाद v2 भी क्या रहा जीरो जीरो टकराने से पहले भी धरती वही थी पानी अब सब्जी इसमें e लगा दो तो e अब कैसे निकालोगे v2 क्या है जीरो v1 सही है बट u1 माइनस u2 तो e क्या आ गया माइनस v1 अपॉन सर माइनस क्या दिखा रहा है माइनस ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी क्या हो गई चेंज इधर प्लस लिया तो इधर क्या हो गया माइनस या फिर मैं यहाँ v1 की वैल्यू निकालूं तो v1 की वैल्यू आ सकती है माइनस का e u1 अब देखो इस चीज से कितना अच्छी चीज हुई मिली हमें ये चीज मिली मान मैंने कहा कोई चीज मैंने गेंद यहाँ से कोई m मास की कोई गेंद थी m मास की गेंद थी वो मैंने 5 मीटर से ड्रॉप करी 5 मीटर से टकराने के बाद वो कितनी ऊपर जा पाई मान लो 3 मीटर जा पाई 3 मीटर जा पाई अब मैंने पूछा बताओ यहाँ पर e की वैल्यू क्या होगी तो कुछ करना नहीं सबसे क्या करना चाहिए देखो टकराने से यहाँ पर टकरा रही होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो टकरा रही होगी यहाँ से ड्रॉप की है मैंने तुमसे कहा अगर h हाइट से ड्रॉप करते हैं किसी चीज को तो उसकी जो ये वेलोसिटी है ना ये वाली वेलोसिटी ये u1 है टकराने से पहले है ना u1 वो होती है अंडर रूट 2g h ठीक अच्छा 2 × 10 × 5 5 × 10 क्या 10 आ गया 10 मीटर पर सेकंड अब देखो अगर ये यहाँ से ऊपर जा रही है मान लो ये 3 मीटर तक ऊपर गई 3 मीटर ऊपर गई तो यहाँ से जैसे ही टकरा के वापस गई होगी तो इसकी जो ये वेलोसिटी है ये क्या कहलाएगी v1 इसको भी लिख देना अंडर रूट 2g टू ऐसे ही जी की वैल्यू 10 कितनी ऊंचाई तक गई 3 मीटर तो 3 × 6 = 60 ठीक है 60 का देखोगे तो 88 64 का मतलब हो गया लगभग 7.8 मान लो 7.9 मान लो ठीक है ये अब तो निकाल दो अब निकालने में क्या है सर अब कैसे निकालना है अरे v1 जो है मेरा 7.8 u1 10 और साथ में क्या रहता है e साथ में क्या रहता है तो मैं माइनस नहीं लगाया इसके अंदर माइनस में इसलिए लगाया कि माइनस डायरेक्शन लिखा है ये आ रही है तो ये जा रही है तो e बराबर लिख दो 7.8/10 यानी कि 0.78 ऐसे तो हम लोग इस स्टेप से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं e को हम लोग इस स्टेप से बता सकते हैं उसके बाद में बताया था ना इससे पहले एक एग्जाम्पल बताया था मैंने कि
टेंथ में हुआ था, फिर टेंथ में फेल हो गया, फिर वो भी टेंथ, मैं भी टेंथ में आ गया और वो भी टेंथ में आ गया, दोनों टेंथ में आ गए। अच्छा तो लोगों रिलेशन में लगता था, ठीक है, तो फिर साथ साथ कोचिंग आते थे, फिर दोस्ती हो गई, दिमाग का थोड़ा काम था, हम लोग समझते थे दिमाग का काम, ठीक है। अच्छा थोड़ी लगता भी लगता हम रहते हैं, दसवा पास करते हैं, पास कर पेपर से पहले वो घर से करा दिया, बोले मैं फेल हो जाऊंगा, वो घर वाले भी सीखा बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो घर से खर्च में करा दिया, तो जैसे जैसे उसे पकड़ के आया था स्टूडेंट से, पेपर दिए हमारे दर्जा से पास हो गया, पास हो तो हमारा 30,000 थी 2010 की बात, 2010 में हाई स्कूल था, फिर 12 आई, फिर 12 में भी, 12 में भी घर से नहीं आता, 12 में भी पास हो गया, 12 पास हो गया, पता नहीं उसमें क्या दिमाग में आया, वो तो तैयारी कर, ठीक है, तैयारी करते हैं, तो उसका चौथे साल सिलेक्शन मिलता है, एक साल में, दो साल में, तीन साल में, चार साल, चौथे साल में उसको, और चौथे साल में उसे मिला था एमसीसीएस, ठीक है, एमसीसीएस मिला था और उसने केजीएम छोड़ा, केजीएम में ना केजीएम छोड़ा था और एमसीसीएस, एमसीसीएस किया, तो वहाँ से हमने मिस किया, और वहाँ से हमने उसका फाइनल हो गया है, ऐसी एक लड़का और था, ना वो उनको फसल है, वो फसल रहना ऐसा था जब हम लोग मैथिली कोचिंग पढ़ते थे तो वो पीछे बैठ के मैथिली को सर करता, ये समझ नहीं आता मैथिली को सर करता, पूरी टूर्नामेंट में लिखा था वो भी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराने की, तो दिक्कत किस बात की,
तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है इसमें। अगर तुम इसे एम्बर मानो तो ट्रक को क्या माना? एम्बर। अब देखो टकराने से पहले, टकराने से पहले एम्बर माना है, इसे यू बन मानेंगे और इसे क्या मानेंगे? यू। सही है भाई, टकराने से पहले ये यू, ये एम टू है तो ये यू, ये एम्बर है तो ये एम। अब टकराने के बाद, टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या मानेंगे हम? और इसकी बिल्कुल मैंने ये माना कि गेंद के टकराने से ट्रक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है? तो ट्रक की पहले भी वेलोसिटी दो थी तो अभी क्या है? दो। अब इसमें रख दो e की वैल्यू क्या है? 0.8। बी टू दो, बी वन, बी वन ये है, सॉरी सॉरी बी वन, बी वन निकालनी है, बी वन तुम्हें निकालना है। अब उसके बाद में यू वन, यू वन कितनी तुम्हारी? 10। और यू टू कितनी तुम्हारी? 2। यहाँ बचा 8, 8 2 8 2 64। इसे इधर लाओ तो बी वन प्लस का, इसे इधर ले लो 2 - 6 पॉइंट, आंसर क्या आया? 4 पॉइंट मीटर पर। माइनस का मतलब क्या है? तुमने माइनस इधर प्लस इधर लिया था तो माइनस, तो यानी कि इस पर बॉल टकराने के बाद में जो वेलोसिटी होगी 4.4 मीटर पर सेकेंड। मेहनत करते रहो अच्छे से। तो ऑर्गेनिक बहुत बहुत ही ज्यादा सॉलिड होगा, जितनी ज्यादा अच्छी खास।
बार पेपर बना है, मेरे बच्चों ने पेपर दिया है, तो ये समझ के पेपर बनते हैं नहीं नहीं अगले साल देखेंगे, नहीं इसी साल देखेंगे, अगले साल तो चांस ही नहीं, इसी साल देखेगा आपको, इसी साल ही ट्राई कर रहे हैं बस। अभी एक महीना बहुत होता है, एक महीना अभी तीनों भी करते हैं, दो हो गए दो रात दो तारीख पाँच तारीख पेपर होता है, ठीक है पूरा एक महीना गया आपके पास, कुछ जितना पढ़ लिया है अगर थोड़ा बहुत नया पढ़ गए हो तो नया करो, वरना नया ना करो कोई करो, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। मैं पढ़ने के लिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो घर में काम क्या है, पापा की तबियत से निकल लिए थे, जाती है उसके साथ ज़्यादा पड़ता है, लेबर कहाँ जाती है, अरे खेत की गन्ना चल रही है, अभी गन्ना चला, हाँ पापा जा रहे हैं, तेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, अकेला है फिर क्या दिक्कत है।